संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवद गीता से हम सभी लोग बहुत प्रेरित होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हम लेके आए हैं कुछ लोग जो मेरे दिल और दिमाग के करीब है, तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चैप्टर नंबर 2, वर्ड्स नंबर 37। इंद्रियाणां हि चरिताम् तन्मनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञानाम् वायुर्नावमि बाम्भसि। अर्थात दैट मीन्स अपनी इंद्रियों को ही काबू करके हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों पर काबू करके ही हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मन का शांत रहना, हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड, हैविंग कामनेस ऑफ माइंड, स्थिर रहना दिमाग का सबसे बड़ा गुण जो स्टूडेंट्स को आगे पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा श्लोक, चैप्टर नंबर 6, वर्ड्स नंबर 5। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् वसादयेत्। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् वसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। हर स्टूडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो अपना उद्धार स्वयं ही कर सके। माता पिता हर समय नहीं आने वाले, भाई बहन जीजा हर समय नहीं अवेलेबल रहने वाले, तो इसलिए स्टूडेंट को चाहिए वो अपनी पावर को समझे और अपना भला करने के बारे में सोचे। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना स्टिलनेस ऑफ माइंड, कामनेस ऑफ माइंड मेंटेन रखे। आइडेंटिटी क्राइसिस स्टूडेंट्स में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो खुद पहले अपने आप को समझे, अपनी इनर इंजीनियरिंग को पहले समझे और अपने को स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़े। चैप्टर नंबर 6, वर्ड्स नंबर 27। प्रशांत मनसम हुएनम, प्रशांत मनसम हुएनम, योगिनम सुखमुत्तमम। प्रशांत मनसम हुएनम योगिनम सुखमुत्तमम। उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। प्रशांत मन, शांत मन, हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड, हैविंग कामनेस ऑफ माइंड गोज अ लॉन्ग वे फॉर कीपिंग द फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट सिक्योर। सो स्टिलनेस ऑफ माइंड और कामनेस ऑफ माइंड की तरफ स्टूडेंट को प्रयासरत रहना चाहिए। वो कैसे अटेन करें? योगी बन जाइए ना कुछ दिन के लिए, डिटैच हो जाइए, आ जाएगा। मन की क्वालिटी को समझने के लिए मन को तो पहले समझे स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 से आता हुआ यह श्लोक है। चंचलम ही मन कृष्णा, चंचलम ही मन कृष्णा, प्रमथि बल वृद्धृणम। चंचलम ही मन कृष्णा, प्रमथि बल वृद्धृणम। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मन की क्वालिटी को समझाते हुए अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि मन बहुत ही हठी बलवान है, यह वेग के समान अनकंट्रोलेबल है, इसको कैसे कंट्रोल करें? बहुत ही सुंदर जवाब भगवान के मुंह से सुनिए। श्री भगवान उवाच। चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 35 और वर्स नंबर 34 के क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन का ये आंसर है, देखते हैं। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम।
असंशयम् महाबाहो मनो दुर्निग्रहम् चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च कृच्यते। वैराग्य डिटैचमेंट से ही, आइसोलेशन से ही आपको अपनी रियल क्वालिटी का, आपकी माइंड को समझने का, अपने आप को समझने का, अपनी इनर इंजीनियरिंग को समझने का मौका मिलता है। ये मौका जब मिले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए और अपनी फ्यूचर के लिए प्रयास करते रहिए। बट हैव स्टिलनेस ऑफ माइंड, हैव कॉमनेस ऑफ माइंड ऑल द स्टूडेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पीनेस इज अचीव्ड विद इन। जो खुशी है वो हमारे अंदर ही है, इसको बाहर मत खोजें। हैप्पीनेस इज रियलाइज्ड विद इन रादर देन यू डोंट नीड टू गो एंड सर्च आउटसाइड, यू डोंट नीड टू गो फॉर आउटसाइड इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज रियलाइज्ड विद इन रादर देन अचीव्ड ऑन द आउटसाइड। हैप्पीनेस आप बाहर मत खोजें, हैप्पीनेस के लिए आप अंदर जाएं, अंदर ही खोजने की कोशिश करें। वो दूरगामी स्टूडेंट्स को फल देगी। उम्मीद करते हैं आपको सारी भगवद गीता के श्लोक बहुत बहुत पसंद आए होंगे। आप सभी को एक बार फिर से संस्कृत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करते रहिए किड्स फोनेटिक्स राइम्स ओरल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।